सरकारी अस्पताल के ग्राउंड में दवाओं का ढेर जला हुआ मिलने से मचा हड़कंप। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दवाओं की किल्लत से नजर आता है, जूझता हुआ 2021 है। जली हुई दवाओं की एक्सपायरी डेट, जिला प्रशासन बना हुआ के मौंट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौस का है पूरा मामला, जहां एक और स्वास्थ्य विभाग लगातार अपनी सेवा में पर पिछड़ता हुआ और दवाओं की किल्लत से लड़ता नजर आता है। वहीं अलीगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौस पर ऐसी तस्वीर सामने आई है जिससे हड़कंप मच गया। दरअसल वहां भारी मात्रा में 2021 तक की एक्सपायरी डेट वाली दवाओं को जलाकर नष्ट करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में जब वहां तैनात चिकित्सक से जानकारी की गई तो उसने अपना बचाव करते हुए तमाम बातें कही। बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर दवाओं को इस तरह से चलाया क्यों गया है। इस तरह की घटनाएं पहले भी कई बार सामने आ चुकी है। जिला प्रशासन इस मामले पर चुप्पी साधे हुआ है। ये सीएससी चंदौस है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंदौस। तो यहाँ की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? अधीक्षक महोदय की होती है। तो जो यहाँ पर हमने देखा आकर दवाइयाँ जली पड़ी हैं, यही डंप कर रहे हैं दवाइयों को इसी कैंपस में, इसी प्रेमिसेस में शराब की बोतलें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, तो इसका क्या निरीक्षण नहीं होता या साफ सफाई कोई देखता नहीं है? नहीं, देखिए ऐसा है, दो चीज़ें इसके पीछे। पहले तो स्वास्थ्य कर्मी की बहुत भारी कमी है, यहाँ पर कोई सफाई वाला अपॉइंटेड नहीं है। पहली लाइन अपॉइंटेड नहीं है, जैसे तैसे करके हम सफाई वाले लगाते हैं तो वो पूरे टाइम रह नहीं पाते यहाँ पर, क्योंकि फंडिंग का भी इशू रहता है। जितना मैं जानता हूँ, हालांकि मैं अधीक्षक नहीं हूँ, मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, 3 दिन मेरी ड्यूटी रहती है और 3 दिन मेरी मलखान सिंह में एज अ साइकेट्रिस्ट रहती है, ठीक है। और रही बात शराब की बोतलें, वो तो आपको ही पता है, आपका राजमहल होगा तो कोई भी बाहर से फेंक के चला जाएगा, तो आपको पता है। अगर जब यहाँ सफाई वाला कोई नहीं है तो चौकीदार कहाँ से लाएं? दवाइयाँ कौन जलाता है? देखिए जो दवाइयाँ आपको मिल रही हैं कंचे थाव आशाएं लेके जाती हैं, उन्होंने डाल दी हो, लेकिन हम लोग अपनी दवाएं कभी बाहर नहीं डालते। ये है एक्सपायरी हो जाए तो हम उसको डंप करते हैं, अगर एक्सपायरी नहीं हुई है तो मिलना मुश्किल है। डंप का एक पूरा तरीका होता है, उसी हिसाब से डंप की जाती है। तरीका तो नहीं है ना? देखिए फिर वो तरीका जानना हो तो अधीक्षक महोदय से बात करिए। पूछ रहा हूँ कि ये तरीका तो नहीं है ना? नहीं, ये तरीका नहीं है। जिस तरीके से यहाँ पड़ी हुई है ये तरीका नहीं है। क्या यहाँ दवाइयों की कमी रहती है? देखिए दवाई की एज पर कमी तो रहती है, जैसे मान के चलिए कि आपको कोई बीमारी है, मैं मुझे लगता है ये दवाई सही कर सकती है, कभी वो नहीं रहती है दवाई तो अल्टरनेट देखने पड़ते हैं। पूरी कमी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कमी रहती है, क्योंकि दवाई की संख्या बहुत ज़्यादा है, है ना? डॉक्टरों की पूरी है यहाँ पे? नहीं, डॉक्टर भी पूरे नहीं है, बात तो ये डॉक्टर भी नहीं है, स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर ही तो नहीं है। एम्बुलेंस सही चलती है? एम्बुलेंस का तो आप देख ही चुके हैं, वो हमसे लिंक नहीं रखता है, लखनऊ से पूरा चलता है वो काम, लखनऊ। यहाँ पे कंडम खड़ी हुई है एम्बुलेंस, इसके बारे में कोई बता नहीं, इसके लिए लखनऊ बात करिए, हमारे पास नहीं है।